हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में गीगर म्यूलर काउंटर के बारे में। गीगर म्यूलर काउंटर के बारे में जानने से पहले हम एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं, सॉरी इसकी कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं कि गीगर म्यूलर काउंटर जो है, जो डिवाइस है, वो कैसे बना हुआ है। अगर गीगर म्यूलर काउंटर की बात करें जाए तो ये एक जो है सिलेंडर की फॉर्म में होता है, एक होलो सिलेंडर, एक बिल्कुल जैसे खाली सिलेंडर है, ऐसी इसकी क्या होती है, बॉडी होती है। जिस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, गैशियस मीडियम होता है। गैशियस मीडियम के अंदर 90% आर्गन और कुछ 10% के करीब अल्कोहल जो है वो मिक्सचर होता है। अब गैशियस मीडियम जो है वो आर्गन ही क्यों, क्योंकि आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, इनएक्टिव और इनर्ट गैस है। आर्गन के अलावा हीलियम, नियॉन, ये भी इनर्ट गैसेस हैं, वो भी हो सकती है। यूजुअली आर्गन होती है और उसमें कुछ अल्कोहल मिक्स होता है। अल्कोहल क्यों यूज़ करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो ये ट्यूब होती है, इसके अंदर जो सेंटर में है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है जो टंगस्टन से बना हुआ होता है। ये टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या होता है, एनोड की तरह काम करता है, यानी कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। जो ये सिलेंडर की बॉडी है, ये मेटालिक बॉडी जो है, ये कैथोड का काम करती है, नेगेटिवली चार्ज जो है उसका काम करती है। जो कैथोड है और एनोड है, ये किससे अटैच होते हैं, एक बैटरी से अटैच होते हैं। जो ये बैटरी है, ये 1000 से 3000 जो वोल्ट जो है, इतना जो एनर्जी सप्लाई करता है। अब जो एनोड है, ये अटैच होता है रेजिस्टेंस लोड से। लोड अटैच होता है हमारा जो है एक डिटेक्टर से, जो डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है कि कितना पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं गीगर म्यूलर की, इसमें होता क्या है, एक न्यूक्लियर डिटेक्टर है, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल है या रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, जब वो सराउंडिंग से इस ट्यूब के अंदर एंटर करता है, तो वो एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल क्या करेगा, इसके अंदर आने के बाद इस गैस को आयनाइज करेगा, यानी कि आयनाइजेशन वाला प्रोसेस होगा जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा कि जो भी हमारे पास एटम होता है वो किसमें डिवाइड हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का कोई भी हमारे पास आयन आ जाएगा। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब इधर से जो ये पॉजिटिवली जो चार्ज हमारे पास आयन आई है, ये किधर जाएगी, ये नेगेटिव सरफेस की तरफ यानी कैथोड की तरफ जाएगी। एक तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो इस डायरेक्शन में डेवलप होती है। ये जो मैंने लिखा है ई, कैपिटल ई विद एन एरो ऑन दी अबव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगी। अब होता क्या है, जब भी कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर एंटर करता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन क्रिएट हो जाती हैं। अब जो ये नेगेटिव आयन है, जब ये यहाँ से एक्स्ट्रा पार्टिकल आया है, इसने एक नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस कर दी। ये इलेक्ट्रोड यहाँ सरफेस पे आने से पहले, ये सरफेस कौन सा है, हमारा एनोड का सरफेस है जो ये रेड में दिखाया है। इसको मैं यहाँ डायग्राम बनाया ताकि आप समझ जाओ। जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे स्ट्राइक करता है, उस बीच में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल के साथ या किसी और एटम के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो उसको भी ये इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो कि आयनाइजेशन से आया था, वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो एक एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल बाहर से एंटर करा था, उस एक पार्टिकल की वजह से जो एटम आयनाइज हुए हैं गैस के, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया वो था हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी आयन्स। जब ये सेकेंडरी आयन्स जो हैं, ये इतने ज़्यादा अमाउंट में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं टाउनसेंड एवलांचे। दिस इफेक्ट इज नोन एज टाउनसेंड एवलांचे। जब टाउनसेंड एवलांचे जो इफेक्ट है, यही बेसिक प्रिंसिपल है गीगर म्यूलर काउंटर का। गीगर म्यूलर काउंटर किस पर बेस्ड है, टाउनसेंड एवलांचे इफेक्ट पर बेस्ड है। अब होगा क्या कि जो ये इलेक्ट्रॉन, जब जितने भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, ये कहाँ तक आ जाएंगे, एनोड के सर्फेस पर। एनोड के सर्फेस पर दे गेट एब्जॉर्ब्ड एट दी एनोड, एनोड पर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद ये जब नीचे ट्रेवल करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस लोड के पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। एक पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, वन काउंट। अब ये यहाँ से दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट पूरा करते हुए कौन से सरफेस पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। अब जब ये कैथोड पर जाएंगे तो कैथोड के सरफेस पर हमारे पास क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कहाँ जाएंगी, हमारे पास कैथोड की तरफ जाएंगी। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, जब नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है वो इन पॉजिटिव आयंस के पास जाएगा, तो जैसे वो इनसे कंबाइन होगा, जो ये पॉजिटिव आयंस थी ऑलरेडी सरफेस पर, इनसे कौन कंबाइन होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो ये इलेक्ट्रोड है। जब ये इस पॉजिटिव आयन से कंबाइन होगा तो कई बार क्या होता है कि ये एक फोटोन की प्रोडक्शन करता है, इट लीड्स टू ए प्रोडक्शन ऑफ फोटोन। अब जो वो फोटोन है उस फोटोन की वजह से क्या हो सकता है, दोबारा से इट लीड्स टू एन एवलांचे। यानी कि पहला जो हमारा एक, अगर हम एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल लेके चले हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन आया था जिसने इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे, वो सारे एनोड की तरफ आने के बाद यहाँ से सर्किट कंप्लीट किया, तो हमारा क्या हो गया, एक काउंट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम सारे को बोलते हैं एक गीगर म्यूलर काउंटर हो गया, एक जीएम काउंट हो गया। अब जब ये एक जीएम काउंट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सरफेस से टकराएगा, उसके टकराने के बाद वो एक फोटोन प्रोड्यूस करेगा, वो फोटोन क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन एवलांचे हुआ है, ये हमारे न्यूक्लियर पार्टिकल की वजह से नहीं हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि ये एवलांचे ना हो, इस तरीके से और चेन रिएक्शन ना हो। इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिनोमिनन होता है जिस फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्वेंचिंग, दैट फिनोमिनन इज नोन एज क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग दो तरीके की होती है, केमिकल क्वेंचिंग, केमिकल एंड एक्सटर्नल। इन केस ऑफ केमिकल क्वेंचिंग हम कुछ सब्सटेंसेस ऑलरेडी केमिकल की फॉर्म में, मिक्सचर की फॉर्म में डाल देते हैं ट्यूब के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला 10% इथेनॉल। ये 10% इथेनॉल अब बताते हैं कि कहाँ यूज़ हुआ है। ये 10% इथेनॉल जो है हमने यूज़ किया था इथेनॉल, ये क्या करेगा कि जितने फोटोन प्रोड्यूस हुए हैं या जो ये एनर्जी फोटोन की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई है, उसको ये इथेनॉल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुई है, इसको इथेनॉल या किसी भी अल्कोहल या फिर किसी भी केमिकल क्वेंचर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल काउंट है वो किसी और वजह से नहीं आ पाएंगे, सिर्फ हमारे गीगर म्यूलर काउंट ही रहेंगे। दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल क्वेंचिंग। एक्सटर्नल क्वेंचिंग में क्या होता है कि हम कुछ टाइम के लिए जो पावर सप्लाई है, एक्सटर्नल क्वेंचिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कुछ देर के लिए हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि इस तरीके से कोई भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस ही ना हो, या फोटोन जो प्रोड्यूस हुए हों वो एवलांचे प्रोड्यूस ना कर पाए। अब देखो इसके बीच में एक फिनोमिनन आता है जो हमारा रह गया था, डेड टाइम। अब डेड टाइम क्या होता है कि जब गीगर म्यूलर काउंटर में एक एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्टिकल की वजह से जो एवलांचे हुआ है, उसकी वजह से जो काउंट हुआ है, अब जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, यहाँ से आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ वापस आता है, तो दूसरा पार्टिकल जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल जो दूसरा आना होता है, उसको ये ट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पाती। यानी कि एक काउंट के बाद जब दूसरा काउंट स्टार्ट होना होता है, तो बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है जिसको जो है ये ट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पाती, उस पीरियड को हम बोलते हैं डेड टाइम। अब जो ये डेड टाइम है, ये जो गीगर म्यूलर काउंट का है, ये क्या होता है, अप टू 200 से 400 माइक्रोसेकंड तक होता है। यानी कि इतनी देर तक जो हमारा एक तरीके से ये गीगर म्यूलर जो ट्यूब है, ये इनएफिशिएंट है, कोई भी पार्टिकल बाहर से आ रहा है उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो गीगर म्यूलर काउंटर जो है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिटेक्ट दी रेडिएशन और आयनाइजेशन, और टू डिटेक्ट दी रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन न्यूक्लियर पार्टिकल। तो कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल अगर वो रेडियो एक्टिव है, और कितना रेडियो एक्टिव है, उसकी जो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गीगर म्यूलर काउंटर। गीगर म्यूलर काउंटर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इजी हैं, अवेलेबिलिटी भी इजी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो सबसे बड़ी तो यही है कि डेड टाइम ज़्यादा है, 200 से 400 माइक्रोसेकंड तक इसका डेड टाइम होता है। और सेकंड इसका जो एक डिसएडवांटेज है बड़ा,
अगर डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो तो यही है कि इसका डेड टाइम जो है वो ज़्यादा है। सेकंड डिसएडवांटेज जो है दैट इज़ इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ इन एफिशिएंट, यानी कि इट इज़ इन एफिशिएंट टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल, यानी कि कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल अगर वो कम एनर्जी का आ रहा है या ज़्यादा एनर्जी का आ रहा है ये गीगर म्यूलर काउंटर उस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि कितनी भी एनर्जी कोई लो एनर्जी का एलिमेंट आए या हाई एनर्जी का आए उसमें कोई भी तरीके का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है गीगर म्यूलर काउंटर। तो गीगर म्यूलर काउंटर जो है बहुत ही एफिशिएंट है फॉर डिटेक्टिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। थैंक यू।